हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बुगड़ा एजुकेशन आज हम डिस्कस करेंगे साइंस क्लास का नाइन्थ का पीटी फोर का क्वेश्चन पेपर जिसमें हम सारे क्वेश्चंस डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे जिससे कि आप इजीली बाद में उसे सॉल्व कर पाएंगे ये है हमारा क्वेश्चन पेपर जिसमें मैक्सिमम मार्क्स है ट्वेंटी फाइव एंड टाइमिंग इज सिक्सटी मिनट्स जनरल इंस्ट्रक्शंस सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं दिस पेपर इज हैविंग फोर सेक्शन ए बी सी एंड डी ए सेक्शन कंप्राइज ऑफ वन मार्क्स क्वेश्चन बी के जितने भी क्वेश्चन है वो टू मार्क्स के हैं सी सेक्शन में थ्री मार्क्स के क्वेश्चन है और डी में फोर मार्क्स इच क्वेश्चन आपके पास है विच यू हैव टू अटेम्प्ट सेपरेटली ऑल द क्वेश्चन सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेक्शन ए वन मार्क का क्वेश्चन है जिसमें वी हैव टू टेल राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन तो आपको सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन बताना है तो वी ऑल नो दैट एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन इज फोर्टीन राइट तो के एल एम एन शेल में अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो वी विल गेट टू एट एंड फोर दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सिलिकॉन सेकेंड क्वेश्चन इज राइट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स

इन टू फोर का स्क्वायर दैट इज सिक्सटीन तो वी कैन फिल टोटल थर्टी टू इलेक्ट्रॉन इन एनशियल अकॉर्डिंग टू टू एन स्क्वायर थर्ड क्वेश्चन हु डिस्कवर्ड अ सब एटोमिक पार्टिकल विच हैज नो चार्ज नो चार्ज का मतलब कि हमारा जो सब एटोमिक पार्टिकल होगा दैट इज न्यूट्रॉन एंड हु डिस्कवर न्यूट्रॉन दैट इज जेम्स चैडविक नेक्स्ट इज व्हाट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी नेक्स्ट टू कंडीशन विच नीड टू बी सेटिसफाइड फॉर द वर्क टू बी डन वर्क का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस सो टू कंडीशन नेसेसरी कौन सी होंगी नंबर वन फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन अ मैन इन प्रेसिंग ऑफ 400 न्यूटन तो अगर कोई भी आदमी किसी दीवार पर पूरा फोर्स लगा रहा है 400 न्यूटन का तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा देन वर्क डन विल बी जीरो अब बैटरी लाइट बल्ब अगर किसी बैटरी से कोई बल्ब हम चला रहे हैं देन एनर्जी चेंजेस उसमें होंगे केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी नाउ सेक्शन बी जिसमें आपके टू मार्क्स के क्वेश्चन होंगे फर्स्ट है प्लम पुडिंग मॉडल वॉट इज प्लम पुडिंग मॉडल तो आपको पता होना चाहिए कि थॉम्स मॉडल ऑफ एटम इज ऑल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल डिस्क्राइब करना है इसको वन मार्क में तो इसका फर्स्ट पॉइंट है ऑल द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड प्लम पुडिंग मॉडल बताता है कि जो हमारा एटम है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे एंड बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड सेकेंड पॉइंट एटम जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट बाहर की तरफ पूरा आपका पॉजिटिव स्पेयर होगा और इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे नेक्स्ट इज वाई डू आइसोटोप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज तो आपको पता होना चाहिए कि आइसोटोप्स हैविंग सेम एटोमिक नंबर और ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन देयर एटॉमिक नंबर दैट्स व्हाई आइसोटोप वायसोटोपोर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट इफ Z इज इक्वल टू थ्री देन वॉट वुड बी इट्स वैलेंसी फिर आप के एल एम शेल से करेंगे तो Z में अगर तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो K में दो होंगे और L में वन देन वैलेंसी विल बी वन नेम द एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर थ्री होता है वो है आपका लिथियम नेक्स्ट इज डिफाइन वन झूल ऑफ वर्क तो आपको पता है कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम वर्क डन लेते हैं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट तो वन जूल ऑफ वर्क इज डिफाइन एज एन फोर्स ऑफ वन न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट डिस्प्लेसेज फॉर वन मीटर देन वर्क इज सेट टू बी वन जूल वॉट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो काइनेटिक एनर्जी होता है एनर्जी पजिस्ट बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा स्पीड या मोशन में होगा उसमें उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी राइट एन एक्सप्रेशन तो फॉर्मूला क्या होगा फॉर्मूला होगा हमारा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द केस ऑफ नेगेटिव वर्क डन तो अगर नेगेटिव वर्क डन हो रहा है तो आपको यह देखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा इट मीन्स द एंगल विल बी वन डिग्री फोर्थ क्वेश्चन है टेन के जी बॉल इज थ्रोन अपवर्ड मीन मास हो गया आपका टेन के जी विद स्पीड ऑफ फाइव मीटर पर सेकेंड तो स्पीड यानी की वेलॉसिटी हो गई आपकी फाइव मीटर पर सेकेंड आपको इसमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है एट द हाइस्ट पॉइंट तो इसके लिए हमें क्या करना है देखिए गिवन है मास टेन के जी वेलॉसिटी है फाइव मीटर पर सेकेंड आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो एट हाइएस्ट पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं मास की जगह टेन के जी की जगह फाइव स्क्वायर आंसर आपका आएगा वन ट्वेंटी फाइव जूल सिक्सटींथ क्वेश्चन हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है जो कि आपका थ्री मार्क का क्वेश्चन है स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो इसमें आपको पूरा लॉ स्टेटमेंट लिखना है कि टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट और कंजर्व विच मीन्स एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्मड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर सिक्सटींथ क्वेश्चन सर्टन फोर्स एक्टिंग ऑन 20 kg जी मास तो यहां पर गिवन मास है आपका 20 kg जी और वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड है मीन्स यू आपका 5 मीटर पर सेकेंड है और वी आपका 2 मीटर पर सेकेंड है आपको अब इसमें वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हेयर वी कैन सी यू इज m इज इक्वल टू ट्वेंटी के जी यू फाइव मीटर पर सेकेंड वी मीटर पर सेकेंड तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें इसको हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आपका आ जाएगा माइनस टू हंड्रेड टेन जूल सेवेंटी क्वेश्चन है डेफिनेशन आपको बतानी है आइसो बार की तो आइसो बार इज डिफाइंड एज एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर जिसका मास नंबर सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है उनको हम कहते हैं आइसो नेक्स्ट इज मास नंबर की डिफाइन आपको बतानी है तो सम ऑफ समोटोन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम इज नोन एज इट्स मास नंबर अब है लॉन्ग टाइप टाइप क्वेश्चन आंसर्स जिसमें कि आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है फोर मार्क का एक क्वेश्चन है यहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी फाइव मीटर पर सेकेंड इज ट्वेंटी फाइव जूल अब इसकी काइनेटिक एनर्जी आपको बतानी है जब वेलोसिटी डबल कर दें तो क्या होगा तो इसके लिए हमें सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव वी गिवन है फाइव मीटर पर सेकेंड यहां से हम पहले मास निकाल लेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इसमें अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो आपका मास आएगा टू के जी अब हमें करना है वेलोसिटी को डबल तो हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी थी फाइव हमने फाइव को टू से मल्टीप्लाई किया हमने वेलोसिटी ले ली इस केस में टेन के जी अब हमें बताना है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आएगी हम इसको देखते हैं वैल्यू पुट करके कि कितना हमारा आंसर आता है मास हमने निकाला है टू के जी इसके बाद हम देखते हैं वैल्यू पुट करने के बाद काइनेटिक एनर्जी आया 100 जूल इट मींस अगर वेलोसिटी को हमने डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी हमारी फोर टाइम्स इंक्रीज हो गई नेक्स्ट इसका पार्ट है वॉट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी वेन इट्स वेलॉसिटी इज इंक्रीज थ्री टाइम्स तो अब अगर हम इसको वैल्यू को पुट करेंगे v की जगह हम इसको थ्री टाइम्स कर देंगे फिर आप उसको इजीली निकाल सकते हैं आंसर अपना लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास ऑफ फोर यू एंड टू इन इट्स न्यूक्लियस हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव आपको इसमें न्यूट्रॉन्स निकालना है तो हमें पता है कि मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटोन मास नंबर फोर प्रोटोन टू तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहां पर हो गए हमारे पास दो वॉट आर द लिमिटेशन ऑफ रदर मॉडल ऑफ एटम रदरफोर्ड की हमें लिमिटेशंस या ड्रॉबैक बताने हैं तो हमें पता है कि एटम आर क्वाइट स्टेबल लेकिन रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द रीजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एटम दिस वॉज द मेन लिमिटेशन क्योंकि रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ इन दैट केस ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल रेडिएट सम एनर्जी एंड फाइनली फॉल इन टू द न्यूक्लियस लेकिन ऐसा नहीं होता एटम्स आर स्टेबल This was the limitation of Rutherford model of atom. ये था हमारा क्वेश्चन पेपर आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताइए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए लाइक कीजिए थैंक यू